हिट एंड रन कानून के खिलाफ लगातार देश भर में ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल हो रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन भी ट्रक के पहिए जाम रहे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लगातार सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, जिन्हें पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समझने की बजाय वो पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। मुंबई से एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर एक पुलिसकर्मी पर हमला बोल रहे हैं। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार घटना महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है। यहां प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स को जब पुलिसकर्मी हटाने की कोशिश करता है, तो कुछ गुस्साए ट्रक ड्राइवर्स ने उस पर हमला बोल दिया। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग किरकिरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार नए हिट एंड रन कानून में बदलाव करे। आपको बता दें कि नए कानून के तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।